अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आपको मेरे YouTube चैनल HTV न्यूज़ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दोस्तों Google पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल और आप दोस्तों के जहन में भी शायद यही सवाल घूम रहा हो, क्या आने वाले दिनों में शरीय क्रिएट में इजाफा होगा, क्या आने वाले दिनों में शरीय क्रिएट में फिर से कमी होगी। आलमी मार्केटों में शरीय क्रिएट में मसलसल कमी, पाकिस्तान में ही सरिया महंगा। अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि सरिया आने वाले दिनों में महंगा होगा या फिर से सस्ता। और उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने वाली है। अगर दोस्तों आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट में भी काफी ज्यादा कमी होगी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो मटेरियल के रेट में भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। दोस्तों नंबर वन पे जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आलमी मार्केट में सरिया सस्ता तो पाकिस्तान में ही महंगा क्यों। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में सरिये के रेट में इसलिए कमी ज्यादा नहीं हो पा रही क्योंकि पाकिस्तान में मसलसल अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। अगर दोस्तों हम पाकिस्तान में रहकर किसी भी चीज को बाहर से मंगवाते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए वो हमें डॉलर में ही पड़ती है। जैसा कि दोस्तों पहले पाकिस्तान में डॉलर 150 का था, लेकिन दोस्तों अब डॉलर 180 के आसपास है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो पहले चीज हमें 150 में मिलती थी अब वो हमें 180 रुपए में पड़ रही है। तो डॉलर का मसलसल बढ़ना है और साथ ही दोस्तों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मसलसल इजाफा भी पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में देखने में आ रहा था, इसलिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट में भी मसलसल इजाफा हो रहा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। वैसे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें, लेकिन दोस्तों मुझे तो लगता नहीं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपके इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।